हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू रेसिपी। आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो है फ़िश फ्राई की। चलिए मैं बताती हूँ। उसके लिए मैंने फ़िश ली हूँ। फ़िश लेके उसको अच्छे से मैंने वॉश करी हूँ। वॉश करने के बाद उसको मैंने आगे पीछे करके कट लगा दी हूँ। कट लगाने के बाद मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक लेके उसको मैंने नींबू पानी डाली उसमें। नींबू पानी डाल के उसको अच्छे से मिला दी हूँ। मिला के जहाँ जहाँ मैंने उसका कट लगाई हूँ वहाँ वहाँ मैं उसको मसाले को अच्छे से भर दूँगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे को भी मोटिवेशन दी मिलता है। अगर आप कमेंट अगर एक भी कमेंट करेंगे तो मेरे को अच्छा भी लगता है पढ़कर। इसके लिए आप ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और दूसरी रेसिपी आपको क्या चीज़ की चाहिए वो भी मेरे को प्लीज़ बताना। फिर मैं उसका भी आपके साथ ट्राई करूँगी कि बता के मैं ऐसा बनाई हूँ। ठीक है, फिर मैंने उसको अच्छे से मसाले को लगा रही हूँ और मसाला लगाने के बाद 1 या 1.5 घंटे के लिए आप रख देना। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-1.5 घंटे के लिए रखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट तक भी उसको रख सकते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए उसको अच्छे से रख दी थी। फिर तवे को मैंने गरम करी। तवे को गरम करने के बाद फिर उसमें धीरे धीरे करके मैंने जितना तेल है उतना मैंने मच्छी को छोड़ी फ्राई होने के लिए। और कढ़ाई पे भी आप कर सकते हैं फ़िश फ्राई, पर मेरे को कढ़ाई पे नहीं जमता है क्योंकि उसमें क्या तेल वगैरह ज़्यादा डालना पड़ता है और पलटी अल्टी करने के लिए भी होता नहीं है। इसके लिए मैंने तवे पे ही फ़िश फ्राई करती हूँ। आपको जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। और अच्छे से 10 से 15 मिनट एक तरफ ही अच्छे से फ्राई करना। फास्ट गैस पे बिल्कुल नहीं करना। स्लो पे रख दो, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, पर उसको अच्छे से फ्राई होना चाहिए। नहीं तो क्या फास्ट पे रखेंगे ऊपर से तो आपको लगेगा है कि भाई मेरी मच्छी अच्छे से फ्राई हो चुकी हो, पर अंदर से पूरी मच्छी वैसी कच्ची ही रहेंगी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ सिलो सिलो करके दोनों तरफ 10 से 15 मिनट एक एक तरफ करके दो तरफ भी अच्छे से फ्राई करना। फ्राई करके और साइड में निकाल लेना। और मेरी एक आदत है, मैं जब भी फ़िश फ्राई करती हूँ मैं साइड में तवे पे पहले उसको रख लेती हूँ क्योंकि जो भी और भी एक्स्ट्रा तेल रहता वो तेल भी उसके अंदर बाहर आ जाए। इसके लिए मैं उसको साइड से रख दी हूँ। साइड से रखने के बाद प्लेट लेती हूँ, प्लेट में निकाल लेती हूँ। और हमारे घर में बांगड़ा मच्छी का फ्राई सबको पसंद है, पर इसका सालना मगर हमें थोड़ा कम शौक से खाते हैं। इसके साथ दाल है कुछ भी पतला सालन वगैरह भी आप बनाओ के खा सकते हैं। फिर उसको भी मैंने निकाल ली हूँ। निकाल के फिर मेरे पास जो दूसरी मच्छी जो बची हुई थी मसाला लगा के जो रखी हूँ मैं, उसको भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी जैसे इसको कर रही हूँ मैं, जो बाकी की जो बची हुई मच्छी रखी हुई है। फिर उसको भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। देखो अभी जो बचा हुआ है वो भी मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। और इसका सालन भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको इसकी सालन की रेसिपी चाहिए बांगड़ा मच्छी की तो मेरे को ज़रूर बताना। और कैसे लगा वीडियो ये भी बताना। अल्लाह हाफिज़।